कान्हा नीचे देखो, कितना सुंदर लग रहा है सब कुछ। कान्हा, आज पक्षियों की भांति गगन में उड़ने की अभिलाषा पूर्ण हो गई। कितना सुंदर दृश्य है ये। अरे ये मेघ तो हमारी ओर ही आ रहा है। कान्हा कान्हा, ये मेघ तो हमारे मार्ग में आ रहा है, अब हम आगे कैसे बढ़ेंगे? हे मेघ, आप हमारे मार्ग से हट जाइए, हमें आगे जाना है। प्रणाम, मैं मेघदूत हूँ, मैं इन बादलों में विचरण करता हूँ। कहिए आप सबको कहाँ जाना है? अच्छा मेघदूत, हमें ये बताइए कि स्वर्गलोक जाने के लिए हमें किस दिशा में जाना होगा? चलिए मैं स्वयं आप सबको स्वर्गलोक ले चलता हूँ। आइए आप सब मुझ पर सवार हो जाइए। चलो मित्रों, चलो। कान्हा, लग रहा है कि मानो मैं एक स्वप्न देख रही हूँ। इतना बड़ा द्वार, हम इसके भीतर प्रवेश करने वाले हैं। देखो दूध की नदी और झरना भी है। अरे वो देखो, माखन और हलवे का पर्वत। हाँ। अरे वो देखो मिष्ठान, पेड़ों पे लगे हैं। मेघदूत जी, क्या हम ये सब खा सकते हैं? हाँ हाँ, ये स्वर्गलोक है, यहाँ आप सभी वस्तुओं का आनंद उठा सकते हैं। मैं तो हलवा खाऊंगा। स्वर्गलोक का माखन गौ कामधेनु के दूध से बना है, इसीलिए इतना स्वादिष्ट है। हाँ कान्हा, तुमने सभी मित्रों की यहाँ स्वर्गलोक आने की इच्छा पूरी कर दी। क्या करता, आपने राधा की चुनौती जो स्वीकार कर ली थी। संगीत कौन बजा रहा है? मित्रों, ये स्वर्ग का संगीत है। संगीत के स्वर तो उस ओर से आ रहे हैं, चलो चलकर देखते हैं। ऋषि नारद मुनि की वीणा है और ये स्वर इन्हीं के वीणा के हैं।
नारायण नारायण। आज के लिए इतना वीणा वंदन करके हमारा मन प्रसन्न हुआ। अब थोड़ी तपस्या कर ली जाए। नारायण 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 नारायण। जितने अद्भुत स्वर है इस वीणा के, उतनी अद्भुत वीणा भी है। चलो मित्रों, इस वीणा को बजाते हैं। पहले मैं वीणा बजाऊंगा। नहीं सुदामा, ये देवऋषि नारद मुनि की वीणा है, हम सब इसे नहीं बजा सकते। नहीं नहीं, पहले मैं बजाऊंगा। अरे नहीं नहीं, पहले मैं बजाऊंगा। अब तुम सब सुनो और मैं वीणा बजाता हूँ।